कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही गजब की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है और आप उसमें जो है आईफोन 13 प्रो मैक्स का iOS चलाना चाहते हैं, यानी कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तब भी आप उसमें जो है आईफोन का iOS चलाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो है किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में आईफोन 13 प्रो मैक्स का iOS को चला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि आप नोटिफिकेशन बार को भी चेंज कर पाओगे और वॉलपेपर, और साथ ही साथ आप कॉल को भी चेंज कर पाओगे। और तो और दोस्तों, यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन होती है वो भी आप जो है बिल्कुल आईफोन 13 प्रो मैक्स की तरह चला पाओगे। तो पूरी सेटिंग बिल्कुल आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स की तरह होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। वीडियो बहुत ही गजब का होने वाला है और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर स्किप कर दोगे तो आप जो है पूरी सेटिंग नहीं देख पाओगे, जिससे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को बहुत ही आराम से देखना और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, वहां पर आपको बताते हैं किस तरीके से आपको जो है आईफोन 13 प्रो मैक्स का iOS को इंस्टॉल करना है और कैसे उसको यूज करना है। तो चलिए, तो गाइज अभी आप यहां पर देख पा रहे हो कि अभी बिल्कुल मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल नॉर्मल है। यहां पर नोटिफिकेशन भी आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल नॉर्मल एंड्रॉयड की तरह है। और यहां पर वॉल्यूम बटन जो होता है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इसी तरीके से आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर वॉलपेपर भी जो है आपको दिख रहे हैं, ये आईफोन 13 प्रो मैक्स वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर सब कुछ आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो वीडियो को देखते रहना। और दोस्तों, यहाँ पर जितने भी ऐप्स को मैं यहाँ पर बताऊँगा, जो भी ऐप्स यहाँ पर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको जो है यहाँ पर वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन आती है जो वॉलपेपर की है, तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, आपको इसको ओपन करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से सेटिंग आ जाएगी। तो सेटिंग पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर गो टू वॉलपेपर पर। अब देखो देखो, यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर दिख रहे हैं। अब ये सारे आईफोन 13 प्रो मैक्स वाले वॉलपेपर हैं, तो यहाँ पर इनको आप बड़ी आसान तरीके से यूज कर पाओगे। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वॉलपेपर दिए गए हैं, तो चलिए मैं कोई भी एक वॉलपेपर यहाँ से लगा लेता हूँ, जैसा कि मैंने ये वाला लगा लेता हूँ। और यहाँ पर आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है सेट एज होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, तो इस पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक कर दोगे तो ये सक्सेस हो गया, यानी कि आपका वॉलपेपर जो है अब चेंज हो चुका है। तो ये एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका वॉलपेपर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब दोस्तों, अब हम यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल को चेंज करेंगे, ये वाला, यानी कि जो बिल्कुल आईफोन 13 प्रो मैक्स में नोटिफिकेशन पैनल आता है वही वाला यहाँ पर आपको यूज करना बताऊँगा। तो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर वहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा किस तरीके से उसको डाउनलोड करना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहना। दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, सेकंड वाली एप्लीकेशन को। और इसको ओपन करने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। दोस्तों, ये एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू टू ऐप, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसको कुछ परमिशन देना पड़ेगा, तो आपको परमिशन यहाँ से नोटिफिकेशन एक्सेस इसको दे देना है। तो यहाँ से मैं इसको परमिशन दे देता हूँ, यहाँ से मैं उसी ऐप को ओपन कर लेता हूँ और इसको परमिशन आपको दे देना है, अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद सेकंड वाली एप्लीकेशन को, इसको जो सेकंड वाली परमिशन है इसको भी आपको दे देना है। और यहाँ से आपको थर्ड एक्सेसिबिलिटी की जो है आपको परमिशन दे देना है, तो यहाँ से मैं एक्सेसिबिलिटी को भी दे देता हूँ। आपको भी दोस्तों सारी की सारी परमिशन आपको यहाँ पर दे देना है। यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन की एक्सेसिबिलिटी को भी यहाँ पर ऑन कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा नीचे जाना है, ये वाला इस तरीके से होम पेज में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर iOS 15, यानी कि iOS 15 का जो कंट्रोल सेंटर है यहाँ पर आ चुका है। तो अभी आपको यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका कंट्रोल सेंटर जो है वो चेंज हो चुका है। अब आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से कंट्रोल सेंटर आ रहा है। तो अभी यहाँ से देखिए, आईफोन की तरह आपको भी यहाँ से स्लाइड करने के लिए मिल रहा है। और इस साइड से आप करोगे तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही आपका कंट्रोल सेंटर जो है चेंज हो चुका है, बिल्कुल आईफोन 13 प्रो मैक्स की तरह हो चुका है। अभी दोस्तों, आपको फुल फ़ोन, आपको यहाँ पर जो है पूरा का पूरा फ़ोन आईफोन 13 प्रो मैक्स की तरह आप भी चला पाओगे। तो सब कुछ बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर दो सेटिंग हो चुका है, आपका वॉलपेपर भी चेंज हो चुका है और आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी चेंज हो चुका है बिल्कुल आईफोन 13 प्रो मैक्स की तरह। तो देखिए, यहाँ पर मैंने टॉर्च को ऑन कर दिया, यहाँ से मैं इसको जो है फिर से अगर कुछ करोगे तो यहाँ पर अलाउ कर देना, एक बार आपको इसको परमिशन दे देना है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर से आप इसकी जो है ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ से वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो और ब्राइटनेस, और यहाँ से म्यूजिक को प्ले कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका दो काम हो चुका है, दो काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा स्टेप दोस्तों है, आपको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे आप यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन है, देखिए आपकी वॉल्यूम बटन जो काम कर रही है,
ये बिल्कुल नॉर्मल काम कर रही है। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि डाउनलोड करके वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख जाएगा, आप नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा iOS, तो iOS पर आपको क्लिक करना है और स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही ये एक्सेसिबिलिटी सर्विस का परमिशन मांगेगा, तो इसको दे देना है आपको फिर से। सर्विस जो परमिशन है इसको मैं दे देता हूँ। परमिशन देने के बाद दोस्तों आप देखिए आपका वॉल्यूम सेंटर जो भी है वो भी चेंज हो चुका है। तो देखिए जैसे मैंने वॉल्यूम बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए ये वाला वॉल्यूम ये इस तरीके से आ रहा है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो आप आईफोन की तरह यहाँ पर जो है हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप इसको जो है कंट्रोल कर पा रहे हो। तो ये हो गए तीन ऑप्शन। अब दोस्तों आपको कॉल कैसे करना है आईफोन की तरह वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस साथ ही साथ दोस्तों अगर आप कोई भी ऐप्स नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो हमारे दिए गए लिंक से तो उसका भी सलूशन मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप उसको डाउनलोड करोगे। तो अभी हम आते हैं फोर्थ स्टेप पर और अब यहाँ पर हम अपने कॉलिंग को सेट करेंगे आईफोन की तरह। तो आपको क्या करना है, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको आपको ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले इसकी परमिशन जो है इनको सबको दे देना है, परमिशन कर देना है। और यहाँ पर परमिशन देने के बाद गाइज ये सेट कर लेना है आपको। परमिशन देने के बाद गाइज ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए थ्री डॉट मिल रहे हैं आपको, तो थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे नीचे लिखा हुआ है सेटिंग्स, तो सेटिंग पर चले जाना है। अब गाइज यहाँ पर आपको अपीयरेंस दिख रहा है तो आपको क्या करना है, अपीयरेंस पर क्लिक करना है। तो चलिए अपीयरेंस में आ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इनकमिंग कॉल स्क्रीन का, तो आपको इनकमिंग कॉल स्क्रीन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आंसर स्टाइल, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आईफोन को चूज कर लेना है। अब गाइज आपका काम सारा का सारा हो चुका है। चलिए अब मैं आपको एक कॉल लगा कर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी कॉल यहाँ पर लगा देता हूँ और लगाने के बाद गाइज अभी यहाँ पर कोई सिम नहीं पड़ा हुआ है, तो देखिए मेरे में वाईफाई कनेक्ट है केवल, तो इसलिए कॉल नहीं लग रही। अब आप अगर इसको जो है लगाओगे कॉल तो आईफोन की तरह लगेगी और कोई भी इनकमिंग कॉल आएगी तो वहाँ पर भी आपको आईफोन की तरह दिखेगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसमें जो है सारे के सारे ऐप्स को आप डाउनलोड करोगे। तो गाइज डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और अगर आपको ये नहीं पता है कि हमारे लिंक से जो है किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए और सारे के सारे ऐप्स वहाँ से बहुत ही इजीली आप जो है डाउनलोड कर पाओगे। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया है कि कैसे आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक से जो है आप किसी भी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो देखिए आपका पूरा मोबाइल जो है अब आपका आईफोन की तरह हो चुका है, ये देखिए। और इसी तरीके से गाइस आप यहाँ पर जो है अपने मोबाइल को iOS 13 Pro Max में चेंज कर सकते हो। गाइस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।